हर महादेव मित्रों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और आज का जो लाइव है, मैं पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं इस लाइव में कुछ कहना चाहूँगा। एक्चुअली जब से आदिशक्ति कंपनी के मालिक मनोज मिश्रा के द्वारा बड़े भाई साहब खेसारी लाल जी को भोजपुरिया भतार बताया गया, उसके बाद मैं और बड़े भैया अखलाक खान जी, हम लोग इस पे कड़ी आपत्ति जताए। हम लोगों की भाषा भोजपुरी तो नहीं है, हम लोग मगध में जन्म लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी की नमक खाते हैं, और आज दो लोग जानते हैं तो भोजपुरी की वजह से जानते हैं। बस इतना ही स्वार्थ था भोजपुरी को लेकर के। दूसरी चीज कि ऐसा भी नहीं कि मनोज मिश्रा ने जिसे भोजपुरिया भतार बताया था वो ही, अगर जाति की बात करूं तो किसी दूसरे जाति से आते हैं, वो यादव ही हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें मैंने झेली, खेसारी जी की टीम के द्वारा गाली गलौज फेसबुक पे आप देख ही रहे होंगे। उसके बाद और भी नीचे लेवल तक जाकर के, पारिवारिक लेवल पे जाकर के कमेंट, फैमिली फोटो, ये वो सब डाला गया सब। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, खेसारी लाल जी अगर भोजपुरिया भतार हैं, खेसारी लाल यादव जी, मैं कल तक मैं जातिवाद की चीजें मैं नहीं करता था, लेकिन होता है क्या ना कि गलती करने वाला से ज्यादा दोषी गलती बर्दाश्त करने वाला होता है। और सेम चीज मैं यहां पे देख रहा हूं, चाहे वो भोजपुरी के कोई भी आर्टिस्ट हो, या जो बड़े बड़े लोग जो भोजपुरी अश्लील मुक्त हटाओ ये करो वो करो अभी बिल में जाके दुबक गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप दुबके हैं। जैसे नंद किशोर तिवारी जी हैं, ये ऐसे टेम्पो और ट्रैक्टर के पीछे जाते थे, दौड़ते थे, अभी पता नहीं किस बिल में जाकर के दुबक गए हैं। तो अच्छी बात है ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे टाइटल में जो है, मेरे नाम में जो टाइटल लगा हुआ है, उसी टाइटल का आदमी को भोजपुरिया भतार बताया गया है ना। उस आदमी को जब भोजपुरिया भतार बताया गया तो मुझे फिर, अगर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग एक राजनीति करते हो, और उस राजनीति के तहत आप सोचते हो कि जैसे अखलाक खान, संतोष रेणु जो बोल रहा है तो पहले इसको बोल लेने दो, पहले आपस में इसको लड़ जाने दो, और उसके बाद जब कोई कमजोर हो जाएगा तब उस पर फिर अटैक करेंगे। तो अगर आपने स्वीकार कर लिया है कि आपके भोजपुरी का भतार एक यादव है, तो फिर यादव मैं भी हूं, इस बात को तो जान रहे। तो चलिए, मुझे फिर कोई गिला शिकवा नहीं है। और खेसारी जी या उनकी टीम से मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई, मुझे बहुत कॉल आया, बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि आप यादव हो करके आप यादव को कुछ बोल रहे हैं, ये उचित नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग भी, अच्छे अच्छे पदों पे पदासीन ऑफिसर्स लोग का भी कॉल आया, पॉलिटिशियन लोगों का भी कॉल आया कि अगर भोजपुरिया भतार बताया गया तो वो यादव को ही बताया गया ना, आपको क्यों तकलीफ हो रही है। मैंने उनसे कहा था कि भैया, जाति पाति अच्छा नहीं लगता है मुझे, और भोजपुरी एक भाषा है, माँ है, और उसको लेकर के कोई गलत कमेंट करे, चाहे भोजपुरी हो, मगही हो, मैथिली हो, अंगिका हो, हिंदी हो,
हर भाषा की एक अपनी मर्यादा होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा इसीलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री जो है आपकी, ये चूतियों का इंडस्ट्री है। मैं स्पष्ट इस बात को मैं बोल रहा हूँ, ये चूतियों का इंडस्ट्री है और ये लोग सिर्फ भेड़िए की तरह हुआ हुआ करेंगे और उसके बाद अपने अपने बिल में दुबक जाएंगे। तो संतोष बाबू आप बदनाम होंगे। ऐसा नहीं खेसारी लाल यादव से मेरी कोई दुश्मनी है, मैं शुरू से मैं बोलता आया हूँ, खेसारी लाल यादव न मेरा 5 रुपया चुरा लिए हैं और न खेसारी लाल यादव का मैं 5 रुपया चुराया हूँ। खेसारी लाल यादव न मेरा आधा कट्ठा जमीन लिखवा लिए हैं और न मैं खेसारी लाल यादव जी का जमीन लिखवाया हूँ। तो आखिर इतना जो सब कुछ जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था? वो भोजपुरी भाषा को लेकर के जो मनोज मिश्रा ने अभद्र जो टिप्पणी की, इसके वजह से हो रहा था, चाहे मैं कर रहा था या अकला खान जी कर रहे थे। यही खेसारी लाल यादव जी हैं जो मेरे घर पे भी गए थे, मुझे वहां से प्यार भी मिला है, फिर भी मैं इन बातों को लेकर के मैं बहुत ज्यादा मैं उनके खिलाफ एग्रेसिव था। आखिर मुझे क्या जरूरत थी? तो चाहे जो लोग भी नंद किशोर तिवारी जी हों, भरत शर्मा जी हों, या जितने भी बड़े बड़े जो दिग्गज हैं जो भोजपुरी के, अच्छी बात है यदि आप लोग यदि पसंद कर रहे हैं भोजपुरिया भातार को पसंद पसंद कर रहे हैं, तो फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। विरोध जताने का स्पष्ट मतलब था कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि मैं, मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, मैं पर्सनल लेवल पे ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ खेसारी लाल जी को टारगेट करना है या ये करना वो करना। लेकिन मैंने देखा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में चूतियों की कमी नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री में चूतियों का भरमार है। और जो एक दूसरे को लड़वा करके और सिर्फ अपना काम साधना जानते हैं, आप बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, मैं बहुत सी खुल करके मैं कह सकता हूं, लेकिन कहने का मन नहीं करता। और जो भी लोग जो पर्सनल लेवल पे मुझे कमेंट कर रहे हैं या मुझे टारगेट कर रहे हैं, मैं उन भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप जो कमेंट कर रहे हो ये कतई उचित नहीं है, ये कतई उचित नहीं है। आप जान जाओ कि जैसा मैं हूं ना वैसा ही आप हो। किसी इंसान को इतना भी मजबूर मत कर दो। मुझे पता है आप सब क्यों कमेंट करते हो और किसके आज्ञा का पालन करते हो, मुझे पता है। और ऐसा नहीं है, टेक्निकल वक्त में बहुत सारी चीज संभव है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि आप जो कमेंट करते हो कहां से कमेंट कर रहे हो, किस मोबाइल से कर रहे हो कमेंट या किस लैपटॉप से कर रहे हो, वो पता नहीं चलेगा, वो हर चीज पता चल जाता है। लेकिन मैं कितनों से मैं लड़ूंगा बताओ, मैं कितने लोगों से मैं लड़ सकता हूं? ऐसा नहीं है यार कोई मेरा दुश्मन आपसे साध ले, दुश्मनी साध ले।
आप भी अपने माँ बाप के बहुत भरोसेमंद पुत्र हो, अपने परिवार के बहुत प्यारा सदस्य हो, आप मुझे गाली देते रहोगे, और जो मेरा जो दुश्मन होगा या जो आपका दुश्मन होगा वो आपको टारगेट करके यार मार देगा आपको, या जो आपका दुश्मन होगा या जो खेसारी जी का दुश्मन होगा वो टारगेट करके मेरे पे अटैक करेगा और बदनाम खेसारी जी होंगे। अगर आप खेसारी जी को चाहते हो तो यार विवाद में मत रखो उनको, क्योंकि आप कानून से ऊपर कोई नहीं है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में राजनीति होती है, यदि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहते हो कि खेसारी जी बने रहें तो आप उनको राजनीति से बाहर रखो। आप देख चुके हो कि राजकुमार पांडे ने कहा है कि मैं आत्महत्या मैं करूंगा और उसका जिम्मेवार खेसारी लाल यादव होगा, ये बात मैं भी बोलूं क्या? बाय मिस्टेक के समझ जाओ कि अगर राजकुमार पांडे किसी तरीके से अगर मर गया तो पहला शक का सुई किस पे जाएगा, जान रहे हो? अभी जितना मुझे विवादास्पद बना दिए हो कमेंट करके या कुछ भी करके, बाय मिस्टेक ये देखो अगर मुझे कुछ हुआ तो शक का सुई पहला किस पे जाएगा, ये समझ रहे हो आप? तो आप चाहे जो भी हो, आप एक सम्मानित व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कि आप मुझे गाली लिख दोगे या कुछ कमेंट कर दोगे तो मेरे देह में चिरचिरी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ना मैं सोशल मीडिया पे आना बंद करूंगा, ना मैं गाना गाना बंद करूंगा, मैं सब कुछ करता रहूंगा यार। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि जो खेसारी लाल यादव का दुश्मन है वो राजनीति करके संतोष रेणु पे अटैक करेगा, और छाती में कौन जाएगा? छाती में खेसारी लाल यादव जाएंगे। वजह कौन होगा? वजह आप लोग होंगे जो कमेंट करके ये करके वो करके। अगर आप लोगों को ज्यादा ही जब प्रॉब्लम है तो आप लोग आइए बैठ करके बात कीजिए ना, यहाँ पे तो बिल्कुल राजनीति किया जा रहा है यार, यहाँ पे तो आप देख रहे हो। मैं तो बिल्कुल, मैं जाति पाति से आज आज जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, मैं जाति पाति में पूरी तरीके से रम करके मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तो पूरी इंडस्ट्री अपनी माँ चुदवा रही है, आप समझ रहे हो? ये जैसे मैंने जो विरोध किया इसका, कौन साथ देता है यहाँ पे? यहाँ पे कौन साथ देता है यहाँ पे? ये लोग जितने भी जो अश्लीलता भगाओ, ये करो वो करो, जो जो जितने भी लोग जो करते हैं ये ड्रामेबाजी करते हैं। नंद कुमार तिवारी क्या है? मादर चोद क्या है? भोंसड़ी वाला ये कुछ है? माँ की लंड पेलो ये साला ट्रैक्टर के पीछे जाता है, टेम्पू के पीछे जाता है, और यहाँ पे जब भोजपुरी की भतार बताया गया तो ये रंडी वाला जाकर के अपनी माँ की बिल में दुबक गया, भोंसड़ी के औलाद। इस मादर चोद को जब प्रमोद प्रेमी का गाना बजेगा तो इसको सुनाई देगा कि उसमें अश्लीलता है, जब तूफान लाल यादव का गाना बजेगा तो सुनाई देगा अश्लीलता है, जब खेसारी लाल यादव का गाना बजेगा तो सुनाई देगा अश्लीलता है, और मनोज मिश्रा भोसड़ी वाला वो भोजपुरी का भतार बताया तो तुमको अश्लीलता नहीं दिखाया रे मादर चोद। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं आता है वो चीजें जो तुम कर रहे हो, लेकिन उन चीजों को हटा करके मैं कोशिश कर रहा था यार कि जाति पाति की चीजों को हटाओ। जब बातें वहां पे हो रही थी, और अब मैं धीरे धीरे मैं समझ रहा हूं, अगर खेसारी लाल यादव अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो गलत करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे ही करना चाहिए, और ये सच्चाई है। खेसारी लाल यादव के फैंस जितने भी हैं, चाहे मुझे वो कॉल किए या मैसेज किए, व्हाट्सएप मैसेज,
आपका तकलीफ, आपकी जो गुस्सा है वो हम समझ सकते हैं। रियल में खेसारी लाल यादव भोजपुरी का अवतार है, ये लोग मान चुका है। जब सब कास्ट मान लिया तो हम काहे को हम से फेराए पड़ल रहे, हम भी हैं यार, हमारा भाई है वो, तो वो भोजपुरी का अवतार हुआ तो भोजपुरी का देवर हम भी हैं। लंड चाटो मादर चोदो, भोजपुरी के हम देवर न हुए हो? और जो यह टेम्पू आओ अथी में प्रमोद पे जाइए, नंद कुमार तिवारी जी, मैं कुछ बुरा बोलूंगा, मैं कुछ अगर बुरा बोला होगा तो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, इसको बुरा नहीं समझिएगा। चलते कि बहुत बोलते हैं ना जा करके, टरक टे रो 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 रोक रोक रोक, भोजपुरी मेरी माँ है, उसको अश्लील तुम कर रहे हो, यहाँ पे माँ चुतवा रहे हो भोसड़ी वाले, यहाँ पे माँ चुतवा रहे हो, धारामाई के भातार मर गया था गारे, मर गया था तो माई के भातार खोज ले लू, मोटका भोसड़ी वाले जाएगा मुरठा बांध के बहन जो खेत जोताएगा जहां जाएगा ये, यहां माँ चुदा रहा था, आने में भार पड़ रहा है इसको, पॉलिटिक्स करता है मादरचोद। काम करो तो स्पष्ट करो, पॉलिटिक्स मत करो। या जो भी लोग हैं जो अश्लीलता हटाना चाहते हैं भोजपुरी से, वैसे लोगों से मैं हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं कि आप सम्मानित हैं, मैं आप लोगों को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं स्पेशल मैं यहां पे अश्लीलता मुक्त अभियान में थोड़ा सा नंद कुमार तिवारी ज्यादा दौड़ता था ये, यहां पे जब बात आया तो बिल में जाकर दुबक गया, जबकि मैं फोन भी किया हूं, मैसेज भी किया हूं, यहां पे आके बिल में दुबक गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं तो हार गया, मैं आज मुझे खुशी मिल रही है कि मुझे हराने वाला कोई और पैदा नहीं लिया है, वो अहिर ही है जिसका नाम है खेसारी लाल यादव, और मैं अपने भाई से हारा हूं, मैं अपने बड़े भाई से हारा हूं, और मैं अपने बड़े भाई से मैं माफी भी मांगूंगा, बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी माफ कर दीजिए यार, बहुत हुआ ड्रामा, चूंकि अब फैमिलियर लेवल पे चीजें जा चुकी है और आपके फैमिली पे भी कटाक्ष करना, चूंकि मैंने कल गुस्से में कर भी दिया था, लेकिन करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यादव हैं, हम यादव हैं, तो कहीं ना कहीं यार परिवार ही है और दुनिया मजा लेती है, तो माफ कीजिएगा इसके लिए। और जैसे अपनी भी टीम से आप बोलिए, और जितने भी जिस खेसारी लाल यादव जी की टीम के लोग हैं जो चाहते हैं उन्हें, आप उन्हें यूं ही कट्टरता से सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, ये देख करके मुझे मजा लगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन भगवान करे आपकी उम्र बहुत लंबी हो और आप बहुत स्वस्थ रहें, आप जैसा फैन मिलना बहुत मुश्किल होता है किसी भी कलाकार के लिए, जो अपने स्टार के लिए इतनी हद तक लड़ाई लड़े, ऐसा फैन कहाँ मिल सकता है, आप रियल में यार ग्रेट हो, आप सब भगवान सदृश हो, और मैं आपके लड़ाई के आगे मैं झुक चुका हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं जो मैटर है यार क्लोज कीजिए, और इन मादरचोदों को जो बोलते थे कि जातिवाद ये वो ऐसा वैसा, उसकी माँ का रेले आराम से थोड़ा सा, अब लगातार अहिरान वाला गाना आई, लगातार आई गाना अहिरान वाला, आओ एक तरफ अहिरान वाला गाना रही, ओकरा बाद देखो कैसे अहिरान वाला चीज होला, भोसड़ी वालों ते ही राजनीति करत रे, अहिरान वाला गाना अब लगातार आई भाई लोग, और जे भी लोग मुझसे गुस्सा है, प्लीज यार आप यही चाहते थे ना कि मैं माफी मांग लूं, यार मैं माफी मांग लिया, भाई हो यार, भाई है, और खेसारी भैया बड़े भाई है, लव यू, जितने भी खेसारी भैया को चाहने वाले हैं उनको ढेर सारा प्यार, और
ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही बने रहिए और खेसारी भैया का दिल से सपोर्ट करते रहिए। जय खेसारी, जय हो। खुश बड़ा नू, खुश हवा कि ना। जय खेसारी कह देनी, जय खेसारी, जय यादव, जय श्री कृष्ण, ठीक है। और बाकी लोग अपनी माँ चुदाए, खास करके नंद कुमार तिवारी। हर हर महादेव, प्रणाम।